नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण, निमित्त अक्षत कलश का हुआ नगर आगमन। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई में अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण निमित्त शुक्रवार देर शाम नगर में अक्षत कलश का आगमन हुआ। पीले चावल से भरा हुआ यह अक्षत कलश देर शाम मुलताई पहुंचा, जहां पर बैंड बाजे के साथ कलश का स्वागत किया गया और नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश के गौरवमय स्वागत के अवसर पर समस्त हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अक्षत कलश की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंत्र उपचार कर पूजन का राम मंदिर गांधी चौक में रखा गया, जिसका विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात जिले में निमंत्रण हेतु वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर में अक्षत कलश के पहुंचते ही जय जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा और सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। आज इस निमित्त अक्षत कलश की पूजन के लिए कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव का आयोजन सफल हो, इस उद्देश्य से आज गायत्री मंदिर में बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में 27 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बजरंग दल, मूलतापी स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित सभी हिंदू संगठन उपस्थित रहे। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।